हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से हमारे चैनल पे। चैनल पे नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम क्या काम करने वाले हैं, तो आज हम ये काम करने वाले हैं, जैसे कि हमारे दोनों राउटर है तो दोनों राउटर को एक साथ में काम कराएंगे और कौन सी डिजाइन बनकर रेडी होती है तो वो हम आपको बताएंगे। तो बने रहना हमारे चैनल पे और सॉरी इस वीडियो पे बने रहना। तो करते हैं वीडियो को फटाफट से शुरू और दिखाते हैं भाई मटेरियल कैसे फिट करते हैं, जैसे दोनों राउटर एक साथ में कैसे काम करते हैं। जो जो भाई दो राउटर की मशीन लेना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि भाई इस पे काम भी कैसे होते हैं। तो चलो कोई नहीं, पहले इसको फिटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं हम लोग कि भाई कैसे क्या काम होगा इस पे। तो पहले जो हम इस मटेरियल को फिट करेंगे फिर बाद में जो उसको फिट करेंगे, तो पहले इसको फिट कर लेते हैं।
जैसा कि आप सभी देख सकते होंगे कि भाई हमने है जो दोनों मटेरियल को यहाँ पर फिट कर लिया है, और फिटिंग कैसे की हमने तो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर किसी भाई को नए दो राउटर लेने से, जैसे कि डबल राउटर की मशीन लेते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं नहीं पता हो, तो हमारे वीडियोस देख के आपको पता चल जाएगा भाई इस प्रकार मटेरियल फिटिंग होता है, इस प्रकार का कुछ काम होता है। तो चलो अभी इसका लेते हैं मेजरमेंट, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट लेना बाकी है, मैंने फिटिंग कर दिया था, अभी मेजरमेंट लेते हैं और डिजाइन बनकर कैसी रेडी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। और मैं यूज़ कर रहा हूँ 6-7 बोलनोस बिट, एक बार और बता दे 6-7 बोलनोस बिट यूज़ करूँगा मैं, और क्वालिटी आप खुद देख लेना भाई कैसे निकल के आएगी। तो मेरा काम करने का थोड़ा तरीका अलग रहता है, बेसिक तरीका, जैसे कि अपने बहुत जने काम अलग अलग तरीके से करते हैं, मेरा तरीका कुछ ज़्यादा ही अलग है और थोड़ा शॉर्ट भी है। जैसे कि अगर आप एक घंटे में मटेरियल रेडी होता है तो हमारे, जैसे कि हमारा तरीका यूज़ करोगे तो आधे घंटे में आपका मटेरियल रेडी होके निकल के बाहर आ जाएगा। तो चलो कोई नहीं, इसको फिटिंग कर दिया हमने और दिखाते हैं अभी सिस्टम पे जाके भाई कैसे रहने वाला। चलो चलते हैं अभी सिस्टम की तरफ और दिखाते हैं आपको भाई कैसे रहने वाला आगे। पहले तो अभी मेजरमेंट लेना है, तो मेजरमेंट की टेप लेके आते हैं और है जो एक बुक लेके आते हैं ताकि उसके अंदर हम लिख सकें। तो चलो पहले ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे दो सेट्स हो रहे हैं ध्यान रखने के लिए, और ये हमने पेन उठा लिया है, ये बुक उठा ली है, और चलते अभी सीधा मशीन की तरफ और मेजरमेंट लेते हैं। तो मैंने टैप नहीं उठाई थी, तो पहले टैप उठा लेते हैं। तो इंची टैप नहीं उठाई तो मेजरमेंट लेंगे भी कैसे। तो ये रहे हमारे मटेरियल, तो इसका लेते हैं फटाफट से मेजरमेंट। तो फटाफट से मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट कैसे लेते हैं चलो आपको वो भी हम दिखा देते हैं। जैसे कि ये हमारा ऊपर वाला इंची का रहता है और नीचे वाला एमएम का रहता है, तो चलो एमएम में हम ले लेते हैं भाई इसका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे इसका विड्थ हो गया हमारा 280 विड्थ है इसका, तो हम इसको विड्थ को लिख देते हैं 280। विड्थ हमें लिख दिया है और हाइट भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हाइट हमारा हो गया यहाँ पर 530 है, चलो 532 इसका हाइट ले लेते हैं हम। तो इसका हाइट हमने 532 ले लिया है। तो ये रहा हमारा हाइट और विड्थ। यहाँ पर मैंने विड्थ लिख दिया है, यहाँ पर हाइट लिख दिया है, दोनों का मेजरमेंट मैंने ले लिया है, सेम ही है दोनों का। तो चलते हैं अभी फटाफट से सिस्टम की ओर और बनाते इसका फाइल, जैसे कि 6-7 बोनस का फाइल बनाएंगे हम। तो देखते हैं भाई फाइल कैसे बनकर रेडी होता है और कितने टाइम में ये कम्प्लीट होता है। तो चलो आ गए हम ऑफिस के अंदर और ये रहा हमारा सिस्टम। तो हम यूज़ करने वाले हैं आर्ट कैंप 2018 यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे। तो हमेशा फाइल बनाते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि मेरे यहाँ पर विड्थ हो गई 280 और हाइट हो गई हमारी 532। तो हमेशा जब भी आप मॉडल बनाओ, जैसे कि यहाँ से न्यू मॉडल क्रिएट करो, तब हमेशा हाइट और विड्थ यही रखा करो, ताकि क्या होता है कि काम अच्छा होता है, क्वालिटी का काम होता है। तो चलो कोई नहीं, इसको अभी ज़्यादा समझाऊंगा मैंने इस बारे में, तो इसको करते हैं फटाफट से लिखते हैं और हमारा यहाँ पर फाइल बनाना चालू करते हैं। इसको ओके कर दिया है, फाइल हमारी ओपन होने वाली है। तो इस प्रकार कुछ इंटरफेस आने वाला देख लो आप। तो चलो कोई नहीं, हमारा आर्ट कैम 2019 ओपन हो गया है और अभी हम पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना के, जैसे मैं मोल्डिंग से काम करता हूँ, मोल्डिंग बना के काम करता हूँ, तो वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। जैसे 280 मैंने यहाँ पर है जो विड्थ लिख दी है और हाइट है जो आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने है जो विड्थ लिख दी है और यहाँ पर अभी जो हाइट डाल देंगे नीचे हम, तो हाइट हमारी हो गई 532। तो क्रिएट किया हमने बॉक्स और हमारे यहाँ पर बॉक्स क्रिएट हो गए। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे कि मैं मोल्डिंग वाला काम करता हूँ, तो मोल्डिंग कैसे बनाते हैं चलो आपको वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर है जो अपने ऑफसेट वेक्टर करके आता है, तो वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ ऊपर की साइड आएगा ऑफसेट वेक्टर करके, तो यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि मैंने पहले भी 11 mm की है जो यहाँ पर मोल्डिंग रखी थी, तो मैं आउटसाइड में एक लाइन बना देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके वापस इनसाइड में भी एक बॉक्स बना देता हूँ। तो चलो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई हमने जो दो बॉक्स बनाकर रेडी कर दिए, तो देख लो आपको 2D में दिखाया, तो हमने दोनों बॉक्स को बनाकर रेडी कर दिया। अब दोनों को भी सिलेक्ट करते हैं। तो चलो कोई नहीं, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे दोनों बॉक्स सेलेक्ट हो गए। तो अभी कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वीडियो के अंदर। आपको यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि देखो मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो हमारे यहाँ पर है स्नैप एडिटर का है, तो इसके हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो गए। ऑप्शन होने के बाद यहाँ पर स्क्वायर पर सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पर जैसे कि अपने को कितना एमएम डीप रखना है, तो हम यहाँ पर 6 mm रखेंगे। तो 6 mm का हमें हाइट रखना है, तो हम 6 mm हाइट रख दिया, अप्लाई किया, कैंसिल किया, और यहाँ 3D में आके देखेंगे हम हमारा मोल्डिंग है जो बनकर रेडी होगा। इनसाइड वाला मोल्डिंग बनाया, जैसे स्लोप वाला मैंने, तो ये देख लो यहाँ पर
तो ये बनकर रेडी हो गया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ा सा एक काम करना है, जैसे कि हमने अंदर वाला बॉक्स बनाया था तो इसकी साइज चेक कर लेनी। तो इसकी साइज कहाँ पे दिखेगी, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको साइज मेंशन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर 258 और 510 है करके इसकी हाइट है, और विड्थ हमारी 258 है और हाइट हमारी 510 है। तो इसको मिनिमाइज करेंगे और डिज़ाइन लेके आते, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिज़ाइन ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखी थी, तो ये रही हमारी डिज़ाइन। तो हम यहाँ पर डिज़ाइन ला के पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो हम पहले जो इसकी विड्थ और हाइट लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 258 हमारी विड्थ थी और हाइट थी हमारी 510। अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद सेम साइज़ का हो गया। चेक कर लेना है वे बॉक्स के अंदर बराबर आया नहीं आया, जैसे कि हमारा बॉक्स के अंदर बराबर से आ गया है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा जेड आता है रेंज का, तो जेड रेंज हमें 6 mm डीप रखना है, तो यहाँ पर 6 mm रेंज कर लेंगे। अप्लाई किया, पेस्ट न्यू लेयर किया और यहाँ पर हमारा फाइल पेस्ट हो गया है। तो देख लो आप, यहाँ पर फाइल पेस्ट हो गया हमारा। तो हम बाहर वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और टूल पाथ के अंदर जाएंगे, टूल पाथ का ऑप्शन हमारे ये रहा, तो न्यू 3D टूल पाथ के अंदर जाएंगे, मशीन रिलीफ के अंदर जाएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस बाहर आएंगे। तो हमें पहले वॉल रिलीफ के अंदर आपको सेलेक्ट वेक्टर करना है, यहाँ पर क्लिक बिट का आएगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट बिट का आएगा, तो उस बिट को सेलेक्ट करना। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बोनलेस 6 mm मैं यूज़ करूँगा, तो बोनलेस 6 mm मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अपने को इसको ओपन करना है, जैसे कि ये फाइल को बोल लो, उसके सारे फीचर्स आते हैं जो यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद स्टेप डाउन में अपने को 6 mm रखना है, तो मैं 6 mm रख देता हूँ। और प्लग रेट 150, स्पीड रेट 50 और हमारा स्पिंडर 12000 है। तो ये कुछ ऐसा है। तो हम कैसे काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर रोस्टर के अंदर हम अपसाइड क्लासिक कर देंगे और स्टार्ट इनसाइड के अंदर स्टार्ट आउटसाइड कर लेंगे, और नीचे जाके हम मटेरियल पे जाके मटेरियल सेटअप, जैसे हमारे यहाँ पर 6 mm है तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपल से यहाँ पर कैलकुलेट नाउ करेंगे। नाउ करते हमारी फाइल बनना है जो शुरू हो गई, हमारी फाइल बनकर रेडी हो गई है। तो अभी इसको है जो सेव कर लेते हैं, सेव करके ले जाते हैं मशीन के ऊपर और करते फटाफट वहाँ पर इंस्टॉल और मशीन को करते चालू, और कितने टाइम में ये बनकर रेडी होगा तो वो तो वीडियो का एंड में पता चलेगा। तब तक देखते हैं भाई क्या काम रहने वाला, और कुछ काम रहेगा और कुछ जानकारी रहेगी तो हम आपको वो भी दे देंगे। और आज YouTube चेक भी करेंगे भाई किन किन भाइयों की कमेंट आई है, किन किन भाइयों को आंसर देना है और किन किन भाइयों को आंसर भी नहीं देना है, क्योंकि बहुत सी दिक्कत आ रही, लोग कमेंट भी गलत करते हैं, मतलब कि अभी समझ ही जाओ। तो कोई नहीं, चलो अभी करते हैं फटाफट से इस काम को शुरू और देखते भाई कितने टाइम में ये रेडी होता है। और एक चीज़ तो आपको सबको बताना भूल ही गया, अभी फाइल को सेव कैसे करते थे, चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको पहले है जो अपनी पेन ड्राइव को है जो अंदर डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और हमारा आई थिंक ये वायरिंग बाहर पड़ा रहेगा, तो कोई नहीं इसको है जो हम वहाँ पर डाल देते हैं और हमारी फाइल यहाँ पर सो हो जाएगी आई थिंक। तो कुछ नहीं करना है, टूल पाथ में जाना है और यहाँ पर देखो सेव टूल पाथ करके आता है, यहाँ अपने फाइल का नाम लिख लीजिए। तो फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ 44 और 28 और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी मैं पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हुई, तो पहले इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो सेव करेंगे, हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो गई। डायरेक्ट पेन ड्राइव डालनी है, अपने आप ये सब कुछ कर लेगा। अपने को बस एक बार यहाँ पर सेलेक्ट करना है फोल्डर को, फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद अपने आप हर बार करने की जरूरत नहीं, एक बार का काम है। आप करके रखो सेलेक्ट, फिर आप पेन ड्राइव जैसे डालोगे यहाँ पर बता देगा, बताने के बाद आप यहाँ पर सेव कर लो। मशीन के यहाँ पर पेन ड्राइव डाल दी है और यहाँ पर हमारा फाइंड डिस्क का ऑप्शन आ गया है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो चलो दिखा देता है आपको, अभी भी नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, फाइंड डिस्क का ऑप्शन आ गया है हमारे, तो स्कैन करते हैं इसको, ओके करते हैं, ओके करते हैं, हमारी फाइल को ढूंढते हैं, जैसे कि हमारी फाइल ये आ रही 44 28, तो इसको ओके करेंगे और यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो ये देख लो कॉपी का ऑप्शन आ गया होगा यहाँ पर, तो हमारी फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई है। इसको कट करेंगे, रिमोट को रखेंगे, पेन ड्राइव को निकालेंगे और हमारी फाइल पर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर और लोकल फाइल्स होता है तो लोकल फाइल पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे 44 28 हमारी फाइल हो गई, तो इसको हम यहाँ पर लोड कर देंगे। लोड करने के बाद एस्केप दबाओ और यहाँ पर ओके दबा के चेक कर लो, आपकी फाइल यहाँ पर आ गई है, देखो आई थिंक नहीं दिख रही होगी, तो ये देखो ये हमारी यहाँ पर फाइल आ गई है। और फटाफट से करते हैं इसको स्टार्ट और दिखाते हैं आपको भाई कैसे क्या काम होता है। इसकी एक्स वाई की पोजीशन सेट कर लेते हैं, तो सेट कैसे करते हैं तो चलो आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर है जो अपनी एक्स वाई की पोजीशन सेट करूँगा तो कैसे करूँगा। पहले अपने रोटर्स को है जो कहाँ पर एक्स वाई करना है वहाँ पर लेके आइए,
पहले मैं लेके आ जाता हूँ अपने फोटोस को। तो मैंने राउटर को लेके आ गया हूँ जहाँ पर मेरे को एक्स वाई करना है। तो एक्स वाई कैसे करेंगे चलो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक्स वाई हम करेंगे तो हमारे यहाँ पर एक्स वाई हो गया। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको सिंपल सा ओके करना है। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन आया है क्लियर एक्स वाई करके कोऑर्डिनेट करके, तो इसको हम ओके करेंगे तो हमारे एक्स वाई की पोजिशन वापस हो गई। तो चलो आपको दिखा देता हूँ वो भी चेक कैसे करनी है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अपने को कुछ नहीं करना है, शिफ्ट दबाना है और यहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है वो दबाना है। दबाओगे डॉक्टर अपना आप ऊपर उठ जाएंगे, यहाँ पर आपकी एक्स वाई की पोजिशन सेट हो गई। तो एक बार हम मशीन को ट्रायल कर लेते हैं, क्योंकि एक बार हमेशा ट्राई करके फिर बाद में मटेरियल को चालू करना चाहिए, क्योंकि आप ट्राई नहीं करते हो डायरेक्ट मटेरियल को चालू कर देते हो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, तो उससे क्या मटेरियल खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखने लायक होती है कि भी आप थोड़ा बहुत इनके अंदर ध्यान रखोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो करते हैं फटाफट इसको चेक और देखते हैं भाई हमारा मशीन का फाइल बराबर बना है या नहीं बना है, तो वो अभी पता चल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर चलाएंगे, तो ऊपर ऊपर कैसे चलाते वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर 6 में डीप ले आऊँ तो 6 में ऊपर रखूंगा मैं अपने बिट को। और सिंपल सा है जो यहाँ पर शिफ्ट और एक्स वाई हमने दबाया था, आपके पास शिफ्ट के साथ दबाना है तो यहाँ पर हमारा क्लियर जेड का आ जाएगा, जैसे कि हमने जेड टच करा दिया है। ओके करेंगे वापस शिफ्ट और 5 दबाएंगे हमारा राउटर एक्स वाई की पोजीशन पर आएगा। और कुछ नहीं करना है, प्ले करना है और चेक करना है हमारा मशीन कैसे बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, जैसा कि मैंने चेक किया था कि हमारी मशीन है जो बराबर से काम कर रही है और सेम जो हमने चीज़ की थी साइज किया था उसी साइज के हिसाब से काम हो रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्ले दबाएंगे, मशीन की स्पीड को करेंगे कम और हमारी जगह पे जाके बैठ जाएंगे, जैसे कि इसके बाद आप कुछ भी काम कर सकते हो। ये हमारी मशीन अब काम करने लग गई है, तो ये चालू कैसे होती है कैसे काम करते चलो वो भी दिखाई देता हूँ आपको। रेडी हो गया है और कैसी फिनिशिंग आई तो चलो आप देख लो खुद ही भाई, ऐसी कुछ फिनिशिंग आई हमारी। 6 mm बोनस भी डाला था और सेटिंग मैंने आपको बता दी वीडियो के अंदर, तो देख लेना उस सेटिंग के हिसाब से मैंने पूरा काम किया है और इस प्रकार की कुछ क्वालिटी आई है, मतलब कि एक भी लाइनिंग नहीं है। और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 1 घंटा और 37 मिनट, तो आपको दिख नहीं रहा होगा तो चलो अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। एक घंटा और 37 मिनट और 57 सेकंड लगे हैं इसको दोनों को बनने में और ये हमारा होके कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर लेना। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता है आपको और एक नया टॉपिक ला के, जैसे कि आज हमने दोनों राउटर चला के साथ में आपको दिखाए थे, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे फिटिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं दोनों राउटर का काम। और जो भाई मशीन लेना चाहते हैं दो राउटर एक साथ में तो ले लो और सीख लो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।